हेलो नमस्कार, मैं अमित सर, डायरेक्टर विस्तार इंस्टीट्यूट, और आज हमारे साथ कृतिका पांडे मैडम, जो कि एक्स प्रोफेसर रह चुकी और काफी एक्सपीरियंस है मैडम, कानपुर से है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एनजीओस के, ये एमएनसीज के बारे में कि एमएनसीज में किस तरीके से वर्क होता है, एमएनसी में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में लोग जा सकते हैं, हमारे जबलपुर का यूथ एमएनसी कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, इसके लिए मैं मैडम कृतिका पांडे जी, मैडम आपका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पे। वेरी गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली इफ वी टॉक अबाउट एमएनसीज, तो स्टूडेंट्स के अंदर एक फियर होता है, दैट इज अ फियर फैक्टर, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द कम्युनिकेशन। दे रियली नो कि व्हाट इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन, दैट शुड बी इन इंग्लिश, बट द मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज इफ यू आर सेइंग समथिंग, अगर आप अपनी कोई भी बात कह रहे हैं तो वो बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, इधर इट शुड बी इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनको लगता है कम्युनिकेशन फैक्टर है, अगर एमएनसी इज अ बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर वहां पे जाएंगे तो हमको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग अ गुड कमांड इन इंग्लिश। दूसरी चीज आती है नॉलेज। इफ यू आर हैविंग अ गुड नॉलेज इन योर सब्जेक्ट, अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है आपके सब्जेक्ट में, आपका मीडियम कोई भी है, आप अपनी बात को कह सकते हो, बट कहने के लिए भी आपको चीजें चाहिए कि आप हिंदी भी प्रॉपर उनको एक्सप्लेन कर पाओ। और अगर आप एमएनसी ज्वाइन करते हैं तो एमएनसी ज्वाइन करने के बाद जब आप एचआर से इंटरैक्ट करते हैं तो आपसे रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को वॉच आउट करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट तब दिए जाते हैं जिस टाइम पीरियड पे आप जाते हैं क्लाइंट साइड पे, और जब आपके सामने आपका जो क्लाइंट है वो आपके सामने अपनी डिमांड्स रख रहा है, और डिमांड्स आप तब अकम्प्लिश कर पाएंगे जब आपको उसकी बात समझ में आएगी। तो एचआर लेवल का जो काम होता है वो ये सिर्फ देखना होता है कि आपकी चीजों में कितनी क्लैरिटी है, आपका माइंड कितना क्लियर है चीजों को ग्रास्प करने के लिए। एंड नॉलेज की बात आती है कि जब तक आपको आपकी चीजों में कमांड नहीं है तो आप क्लाइंट की बात सुन भी लेंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द मेन थिंग कि इस चीज को हमको थोड़ा काम करना है कि कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखें, वॉट एवर बी द मीडियम, लाइक इट शुड बी इन हिंदी और इन इंग्लिश। और एमएनसी एक इतना बड़ा ब्रांड है कि अगर आप एमएनसी ज्वाइन करते हैं या एमएनसी ज्वाइन करने से पहले आपको कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी आपको जॉब दे रही है, सो डोंट थ्रो इट कि लाइक आपने कहा कि नहीं आई एम जस्ट गेटिंग 6,000, 5,000, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माय क्वालिफिकेशन। तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो लर्निंग बेसिस से होना चाहिए, वॉट एवर दे आर गिविंग यू नीड टू ज्वाइन, बिकॉज अभी आप फ्रेशर हो, और फ्रेशर के बेसिस से अगर आपको 3,000, 4,000, 5,000 मिल रहा है, 2 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम आपको देना पड़ रहा है, तो आप उस चीज को लीजिए, वहां पे जाके ग्रास्प करिए चीजें, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूअसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एप्टीट्यूड ऑल्सो, कि आपको एप्टीट्यूड क्लियर करना है, आपको उनसे किस तरीके से बात करनी है, चीजें देखनी है। मैडम अक्सर मैंने देखा कि जबलपुर में बच्चे बीसीए एमसी एमटेक करने के बाद अपनी लाइन चेंज करके जॉब करते हैं, और बिकॉज एक सॉरी सर एक्चुअली एक उनके माइंड में एक चीज फीड अप है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर टू बेटर, और ये इसलिए है क्योंकि शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि पेरेंट्स जा रहे हैं, सपोज अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं कि पेरेंट्स गए और वो आराम से जॉब करके आए, देर इज नो मोर प्रेशर, बट ये फिनोमेना अपने माइंड से हटा दें कि प्रेशर नहीं है, प्रेशर हर एक जगह पे है काम का, और पहले वाली चीजें अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं रही हैं। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको अपनी नॉलेज को प्रॉपर रखना है, अपनी चीजों में क्लैरिटी रखनी है, और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, आप जाओगे तो आपका उसमें कोई पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होनी है, आपकी नॉलेज ग्रूम नहीं होनी, जहां पे आप थे आप वहीं पे बन के रह जाओगे। बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है कि आपने अगर आज कुछ सीखा है तो अगले सेकंड, हो सकता है नैनो सेकंड, आप माइक्रो सेकंड जो पढ़ते हो बुक्स में, जो आप अगर कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें कि ये सेकंड्स होते हैं, इतने सेकंड्स में नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो यू शुड नीड टू अपडेट योर सेल्फ, तो वो अपडेशन आपका हमेशा बना रखता है अगर आप ज्वाइन करते हैं कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मैडम कृतिका मैडम के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैडम ने एचआर के रूप में भी काम किया है एमएनसी के लिए, और एचआर के रूप में काम करने के दौरान आपने कई लोगों के इंटरव्यूज को भी देखा है, तो जबलपुर में बच्चों को उसके इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए क्या पैटर्न अप्लाई करना चाहिए, और ट्रेनिंग कितना जरूरी होता है एचआर को फॉलो करने के लिए, मैडम थोड़ा सा ये भी अगर आप बताए तो। एक्चुअली अगर हमको प्रिपेयर करवाना है एचआर के लिए, एचआर राउंड के लिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि उसके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपकी पर्सनालिटी, जिसको आप बोलते हैं पीडी क्लासेस, हम पीडी क्लासेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, कई बार पेरेंट्स को बताते हैं कि हमारा सिलेक्शन हमारी नॉलेज की वजह से नहीं रुक रहा है, हमारी पर्सनालिटी की वजह से रुक रहा है, तो वो भी तुरंत अलाउ कर देते हैं कि भाई पीडी क्लासेस ज्वाइन कर लो। व्हाट इज द मीन ऑफ पीडी? That is a personality development program. What is a personality development program? It consists of so many things. कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कितने pauses ले रहे हैं, कैसे अपनी बात को कह रहे हैं सामने वाले को, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो जब तक आप aptitude clear नहीं करते हैं
तो आप एचआर राउंड क्लियर नहीं करते हैं। जब आप एचआर क्लियर करते हैं देन यू आर एबल टू टॉक विद समवन की आपकी नॉलेज बेसिस क्या है, आपने ये प्रोग्रामिंग ये काम किया है, तो वो बात तो वहीं से खत्म हो जाती है कि आपने एचआर राउंड ही नहीं क्लियर किया, देन यू जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम द काम। एमएनसीज के लिए कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पकड़ होनी जरूरी है? इफ यू टॉक अबाउट द करेंट सिनेरियो, अगर करेंट सिनेरियो की बात करें तो पाइथन इज अ लैंग्वेज जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है इस टाइम पे। पाइथन सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है आपकी, और पाइथन के ऊपर काम, अगर आप टीसीएस की बात करें, सब जगह पाइथन पे ही काम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं और उसमें आपका बेस एकदम डेफिनेट है, तो आपको कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करना पड़े, यू आर एबल टू डू दैट बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक जो है वो सबका सिमिलर है। देयर इज अ वेरी फ्यू डिफरेंसेस लाइक इन अ कीवर्ड्स एंड सिंटेक्सेस, नथिंग एल्स। BCA, MCA, MTech, MSc, CS, MSc, IT ऐसे बहुत सारे डिग्री कोर्सेस जबलपुर में करंटली अलग अलग यूनिवर्सिटी चला रही है, तो ये सारे कोर्सेस जो है वो क्या MNCs के लिए सही है कि MNC के लिए कुछ और भी करें? सिलेबस इज, अगर हम बात करें सिलेबस की या कैरिकुलम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज अप्रोप्रिएट। लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कि 6 महीने के लिए आपने एक लैंग्वेज दी, तो उस टाइम पीरियड पे वो 6 महीने उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ रहा है, उसके साथ एन नंबर 4 to 5 सब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, फिर जब तक उसको वो चीज समझ में आई फिर नेक्स्ट 6 सब्जेक्ट्स हो गए, तो उस टाइम पीरियड पे उसके ऊपर बर्डन बहुत हो जाता है, तो एक चीज फिनिश अप करने के बजाय दूसरी चीज में फिर इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कैरिकुलम इज मच बेटर, बट उनको पैरेलली अपना थोड़ा हार्डवर्क करना चाहिए, थोड़ा चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए, कि अगर वो एक चीज लेके चल रहे हैं लाइक C++, C, जावा, जो भी लेके चल रहे हैं, तो उसको फिनिश अप लाइन तक पहुंचाएं। ये उनका खुद का एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि आज जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपके सिलेबस से नहीं, वो आपकी लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग काम चाहती है। लास्ट मेरा क्वेश्चन जो जबलपुर में सभी जानना चाहते हैं, एमएनसी में सैलरी पैकेज कितना तक पहुंच सकता है? देखिए, इनिशियली अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट इट, बिकॉज अगर बीएससी किया है बच्चे ने, बीसीए किया है, तो इन कंपनीज को जॉब देने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, दे आर रेडी, मींस दे आर ईगर टू गिव इन द जॉब टू दीज कैंडिडेट्स, की जो भी फ्रेशर्स आए हैं उन्हीं को जॉब दे। तो लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब उनको पता चलता है कि मुझको तो 12,000 मिल रहे हैं, 14,000 मिल रहे हैं, हाउ आई विल सर्वाइव इन दिल्ली, हाउ आई विल सर्वाइव इन पुणे, इन बॉम्बे, द मैटर इज कि आप शुरू में कैसे सर्वाइव करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, बट वो 12,000 कब आपके 72,000 में चेंज हो जाते हैं यू विल नेवर नो, क्योंकि इन एमएनसीज में शुरू में वो सिर्फ आपका देखते हैं कि अगर आपके अंदर वो गट्स है तो वो एक साल एक महीना, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आपकी सैलरी 36,000 हो जाए, दैट इज जस्ट ट्रिपल। सो इनिशियली आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना कि मुझे 12 ही क्यों मिल रहे हैं यार, उसको तो 14 मिल रहे थे, उसको तो 22 मिल रहे थे, इट हार्डली मैटर्स। सो कृतिका मैडम ने बहुत कम समय में एमएनसीज के बारे में बहुत बड़ी चीज बताइए, विस्तार फाउंडेशन एंड विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस विजयनगर अहिंसा चौक एमएनसी ट्रेनिंग प्रोग्राम 12 तारीख से शुरुआत कर रहा है, और इसमें हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, जिसमें से एक एक्सपर्ट कृतिका पांडे मैडम, जो कि खुद कानपुर में लेक्चरर और एमएनसी ट्रेनिंग की भी हेड रह चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने जबलपुर वालों को बहुत अच्छी चीज आपने बताई, आप सभी 12 तारीख को जरूर एमएनसी ट्रेनिंग के प्रोग्राम में आए, और जैसे कि मैम ने कहा कि ये वो लाइन है जिस लाइन आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसमें रहती है, तो आप जबलपुर में इस लाइन को सीखे, बड़ी एमएनसी जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन कंपनीज में पहुंचने का जो सपना जरूर बनाए, और सभी उस एमएनसी में पहुंचे। ये विस्तार फाउंडेशन की तरफ से मैम सर डायरेक्टर विस्तार इंस्टीट्यूट एवं कृष्णप्रीतिका पांडे मैडम, आप सभी को धन्यवाद देती है कि आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।